यूँ तो हम में से कोई भी अपनी जिंदगी में भूत प्रेत का साया नहीं चाहता है, लेकिन आज हमारे साथ है एक प्यारी सी प्रेत आत्मा जिसे हम रोज अपने घर में देखना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हम सबकी चहेती सिमरन यानी अनामिका की। अनामिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी चहेती। सिमरन, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपको जब ये रोल ऑफर हुआ था तो आपको कुछ अजीब नहीं लगा, इतनी प्यारी सी लड़की और एक चुड़ैल का, एक प्रेत आत्मा का रोल? पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, मेरी स्क्रिप्ट बहुत रोने धोने वाली थी तो मैं बहुत स्टार्ट टू एंड रोई रोई रोई। फिर जब मीटिंग में बुलाया तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं ऑलरेडी रोना धोना कर चुकी हूँ लाडो में, तो मैं मुझे नहीं करना ये सीरियल। पर उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल रोना धोना नहीं है, आप आइए। फिर मैंने बहुत सोच विचार करके मैंने सोचा चलो मीटिंग ही है, चले जाते हैं। तो मीटिंग में मुझे पता चला कि ऐसा है, तो मैंने उनको पूछा कि मैं इतनी बुरी लगती हूँ आपको क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें बहुत सुंदर सी चाहिए। फिर मतलब फिर तो आप अगेन इट्स अ रॉन्ग कास्टिंग। नहीं नहीं हम मेकअप में संभाल लेंगे, तो उन्होंने मेकअप में संभाल लिया। लंबा टाइम हो गया आपको ये रोल करते हुए, अभी आप अगर पूछे तो अब कितना एंजॉय कर रही है? कुछ बोरियत सी हुई वही या फिर अभी भी स्टिल उतना ही एंजॉय कर रहे हैं? सी डेली सोप है, अगर मैं बोलूँगी कि मैं तो रोज़ एंजॉय करती हूँ तो आई एम लाइंग। तो यस, एंजॉयमेंट तो नहीं होती है, और नेगेटिव रोल ये सोचा नहीं था करेंगे, और यहाँ पे भी जब आए तो ऐसा कुछ नहीं था कि नेगेटिव होगा, ग्रे शेड होगा। तो जबकि था कुछ टाइम तक, फिर नेगेटिव हो गया तो बहुत उसके लिए बुरा लगा, एडजस्ट होना पड़ा। बट कमिटमेंट को पूरा करना पड़ेगा तो कर रहे हैं। बट यस आई एम एंजॉयिंग रोज। आई डोंट थिंक बहुत कम लिखे जाते हैं ऐसे कैरेक्टर्स स्पेशली इंडियन टेलीविजन में। आगे आप कॉमेडी करना चाहेंगे? हम ज़रूर चाहेंगे सिमरन को देखना, दर्शक चाहेंगे, मेल्स आते हैं वेबसाइट पे, ऐसे मेल्स आते हैं कि हम आपको चाहते हैं कि कॉमेडी रोल्स में देखना चाहें। क्योंकि आई थिंक आई हैव दैट कॉमेडी एलिमेंट इन मी, और मुझे ऐसा लगता है आई बिलीव इन के हमारी लाइफ में वैसे ही इतनी प्रॉब्लम्स हैं, बिना चाहे कुछ ना कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, वी आर वेरी हेक्टिक लाइफ्स। उसमें अगर आप रोना धोना टीवी पे भी देखेंगे तो आई थिंक इट्स डिप्रेसिंग। सो अगर आप दूसरों को खुश कर सकते हैं, हंसा सकते हैं, तो उससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ हो नहीं सकती। एंड इफ़ आई गेट पेड फॉर इट तो मुझे लगता है इससे बेटर कुछ चीज़ हो ही नहीं सकती।